खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अल्लामा इकबाल ने जब ये शेर लिखा होगा ना, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि शेर के साथ कितनी कहानियां लिखी जाएंगी। हाय, कैसे हो तुम? ठीक हो ना? कैसा गया आज का दिन? मेरा दिन आज का अच्छा गया। अच्छा मतलब बहुत अच्छा। एक तो बहुत वक्त बाद मेरा बेस्ट फ्रेंड हेमू आया हुआ था मिलने के लिए, दूसरा उसके साथ एक अच्छा वक्त बिताया मैंने। हेमू और मैं पॉलिटेक्निक के दिनों से दोस्त हैं। वक्त बदला, चीज़ें बदली, जिंदगी बदली, लेकिन हमारी दोस्ती अभी भी वैसी है जैसी हमेशा से थी। कल हमने साथ में नैनीताल शहर को देखा और अपना कॉलेज का टाइम याद किया। अब वो चंडीगढ़ में नौकरी करता है, इंजीनियर है वहाँ, कंप्यूटर वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं लोग उसे। छुट्टियों पर घर आया था इसलिए मिलना हुआ हमारा। अब वैसे कहाँ मिल पाते हैं यार जैसे कॉलेज के दिनों में मिला करते थे। जिंदगी कितना बदल गई है ना कॉलेज के बाद। वैसे कॉलेज के दिनों में मैं माइक में बोलता रहता था, मतलब कोई भी फंक्शन हो एंकरिंग मैं ही करता था। एक अलग मज़ा आता था मुझे माइक से बात करने में, लगता था मेरी ज़िंदगी इसी के इर्द गिर्द हो। और कहते हैं ना, जो आप सोचते हो भी जाता है, इसलिए ज़रा सोचते हुए ध्यान रखना चाहिए। अच्छा वैसे आज मुझे एक कहानी पता चली है जिसे सुनने के बाद मुझे लगा यार हम लोग ना जिंदगी से शिकायत खाली कर रहे हैं। कुछ लोगों ने शिकायतों को इग्नोर करके अपनी अलग दास्तान लिखी है। तो ये कहानी है धनुजा कुमारी की, जो 48 बरस की हैं और अभी सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती हैं। लेकिन उनकी सिर्फ यही पहचान नहीं है, उनकी एक और पहचान है और वो है कि वो एक लेखिका है और उनकी लिखावट कॉलेज में पढ़ाई जाती है। इंटरनेट में देखा था मैंने कि वो 9वीं क्लास तक ही पढ़ी हैं, उसके बाद वो पढ़ ही नहीं पाई। फिर उनकी शादी हुई और ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। अब उनकी ज़िंदगी आम तो थी नहीं, इसलिए मुश्किलों ने बेहिसाब जगह बनाई उनकी ज़िंदगी में। वो लड़ती रही, उनको लोगों से भेदभाव झेलना पड़ा, ताने सुनने पड़े। लेकिन उन्होंने सिर्फ सुने नहीं, उनको दर्ज कर लिया। असल में उनको स्कूल में ना एक आदत मिली थी, जिस स्कूल में वो पढ़ती थी उसमें कहा जाता था कि दिन की हर बात एक डायरी में लिख लो। उनकी वो आदत कभी बदली ही नहीं, उन्होंने लिखना कभी नहीं छोड़ा। कभी वो किसी अखबार के पन्ने में लिखती, कभी रफ कॉपी के आखिरी पन्ने में, कभी लोगों की शिकायतें संबंधी एप्लीकेशन में लिखती, तो कभी अपने संघर्षों के बारे में लिखती। कहते हैं जब आप बिना परिणाम की फिक्र किए काम करते हो ना, तो जिंदगी एक खुशनुमा मौका जरूर आपके लिए लेकर आती है। धनुजा की लिखावट को भी ऐसा मौका मिला जब किसी ने उनसे कहा कि उन्हें अपनी किताब लानी चाहिए। धनुजा को पहले तो खुद पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने तय किया किताब लिखने का और वो अपना डेली लाइफ का काम भी करती रही। जब उनकी किताब छाप दी गई तो उसे लोगों ने बहुत प्यार दिया। उनकी किताब का नाम है चेंकल चुलिले एंटी जीवितम, यानी चेंकल चुला में मेरा जीवन, और इसे हाल ही में कालीकट विश्वविद्यालय के एमए पाठ्यक्रम और कन्नूर विश्वविद्यालय में बीए पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। ये कितनी प्यारी बात है ना। तो अगर तुमको भी कभी लगे ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत है और बहुत परेशान कर रही है तुम्हें, तो सोचना ऐसे लोगों के बारे में जो तुमसे ज़्यादा परेशान है। हो सकता है तुम्हें अपनी परेशानी कम लगे। वैसे भी एक गाना है ना वो, कि दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है। तो यही सब है यार। फिर चलो, फिर दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखना, वक्त पर सो जाना, जहाँ भी हो बस ठीक रहना, ठीक है? कोई बात हो या कोई ख्याल हो तो कहानी वाला लड़का 9@gmail.com ये मेरा पता है जिसमें तुम ईमेल कर सकते हो। चलो आप ठीक से रहना और ध्यान रखना अपना। गुड नाइट, बाय बाय।